ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जेंटल मैन के लिए. हमने देखा कि इस फिल्म के सारे गाने जो है बहुत ही हिट है, इवन लोगों की जुबान पर ही. तो जब एज एन सिंगर एज एन म्यूजिक कंपोजर आप लोगों से जानना चाहिए कि जब फिल्म आने से पहले गाने इतने बेस्ट दिए थे और आज के टाइम पर ऐसा कहा जाता है फिल्म के अगर गाने होते तो पिक्चर में अब बताइए क्या फील करते हैं आप लोग जो मेहनत रंग ला रही है. आप सही कह रहे हैं, हर फिल्म के लिए फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पर्दे से बाहर सबसे पहले हमको ही आना होता है, गानों को ही आना होता है. गाने ही एक तरह से फिल्म की एक्साइटमेंट को क्रिएट करते हैं. तो बिल्कुल वही जिम्मेदारी हमने उठाई थी और राजनीति से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा. दूसरी फिल्म बिल्कुल उनके साथ थी, साहिब बहुत बड़ा गाना उनके साथ हुआ, तो उनके साथ एक रिश्तेदारी है और उनके साथ एक सहूलियत भी है, एक कम्फर्ट जोन भी है. वो हमको वो करने देते हैं जो हम करना चाहते हैं, हम भी अपना बेस्ट उनको देते हैं. और जो ये फिल्म है मुझे लगता है बहुत टाइम बाद एक एक्शन रोमांटिक ऐसी एक फिल्म जिसमें यू नो आपको पूरा मसाला मिले और तब दुगना हो जाता है. यू नो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वो डबल हो जाती है कि आप अच्छे गाने दें, एक बस क्रिएट हो. और जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों को ये गाने पसंद आ रहे हैं तो बहुत बेहद खुशी है. मैं तो चाहता हूँ कि यही जो माहौल है यही माहौल थिएटर में और बॉक्स ऑफिस में भी नजर आए. सर जैसा कि सर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डबल हो जाती है और हमने देखा कि गाने बंदूक मेरी लैला हमारा फेवरेट गाना है और डिस्को डिस्को ये भी हमारा फेवरेट गाना है. पर बंदूक मेरी लैला इसलिए स्पेशल है क्योंकि शायद इस तरह का गाना इसको पहले बना नहीं है बॉलीवुड में. हमें ऐसा लगता है कि हमने कोशिश करके एक नया जॉनर का गाना क्रिएट किया है और अगर वो सबको पसंद आता है तो आई थिंक हमें और फ्रीडम मिलता है कि हम हमारी आने वाली फिल्मों में और एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके तो जब इस तरह का जैसे कि आपने कहा कि दूसरी बार ये एसोसिएशन है आप लोगों का चौथी बार जब आपको तो बताया गया कि इस तरह ये एक फिल्म है जेंटलमैन और जिसमें आप लोगों की सारी गाने किस तरह से आप लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, किस तरह से क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अगर कुछ अगर आप शेयर करें. अपने आप को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है. पहले हमको ऐसा लगता था कि नया म्यूज़िक लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन आज की डेट में लोग नया 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 और नया म्यूज़िक चाहते हैं और लगातार लोगों की जो एक पीपल आर ऑन लुकआउट फॉर अ न्यू साउंड, तो जो एक नया साउंड जो लाने की जो कोशिश है. हम भी ढेर सारा म्यूज़िक सुनते हैं, नए नए साउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं इस फिल्म में. ख़ास तौर पर जैसे आप कह रहे बंदूक मेरी लैला, उसके लिए बिल्कुल नया साउंड हमने बॉलीवुड में लाने की कोशिश की है. तो इस किस्म की तैयारियां होती है. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक है, तो हम चाहते थे कि इसका जो एक्शन पार्ट है और जो हीरो के लिए जैसे एक ऐसे एक्शन हीरो के लिए जो थीम होनी चाहिए वो एक गाने से निकल गया बंदूक मेरी लैला में. हमने एट द सेम टाइम एक रोमांटिक गाना भी हो क्योंकि इनकी जो केमिस्ट्री आप देख सकते हैं कि सिजलिंग केमिस्ट्री है, तो उनकी केमिस्ट्री को भी भरपूर मतलब बढ़ावा देने वाला एक गाना हो रोमांटिक गाना, तो वैसा एक गाना है. एक गाना है जो बिल्कुल मस्ती का यंगस्टर्स के लिए गाना है, जो बिल्कुल बियर चगिंग का गाना होता है, तो उस किस्म का एक गाना है. तो जब फिल्म की शुरुआत में हमने रियलाइज़ किया कि फिल्म के अंदर दो या तीन ही सिचुएशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि इस फिल्म को पूरी तरह से हमारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए म्यूज़िक का, गानों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उस किस्म की तैयारी की. ओके सर आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि उन्होंने कहा कि फिल्म में जो एक्शन भी है और रोमांटिक भी है, तो इस तरह से ऑफर आता है नहीं. इनफैक्ट जब कुछ नया करने की बात आती है तो हम प्रेशर नहीं फील करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नया करना अपने आप में एक यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा लेते हैं तो प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि प्रेशर से कुछ किसी का भला नहीं होता. सर आप बताइए कुछ प्रेशर होता है गानों के लेके? नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा राजनीति के साथ एक अजीब कम्फर्ट जोन में है हम लोग. और जैसे जिगर ने कहा कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो ये है कि कुछ चैलेंजिंग करे, कुछ नया करे, जो सचिन जिगर ने पहले नहीं किया ऐसा कुछ दर्शक के सामने ले आए. और जैसे जिगर कह रहे हैं प्रेशर में रह के तो गाना नहीं बनेगा, तो उस प्रेशर को बीट कर देते हैं हम और हम भूल जाते हैं कि हमको
बहुत सुपर डुपर हिट म्यूज़िक देना है, हम कोशिश करते हैं कि अपने सबसे पहले एक नया साउंड क्रिएट करें, अपने दिल की कोई बात है जो ऑडियंस तक जो पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ म्यूज़िक बनाएं। और फिर जब आपस में हम चार मिलकर बैठते हैं तो ढेर सारी फाइटिंग होती है, ढेर सारी फिल्टरिंग होती है। अच्छा। उसके बाद जो काम सामने आता है उस पर ज़्यादातर कॉन्फिडेंस रहता है, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं फील करते। किन किन चीज़ों पर आप लोग डिबेट करते हैं जब म्यूज़िक आते हैं, आप लोग गाने आते हैं, किन किन चीज़ों पर फाइटिंग करते हैं? हर चीज़ पे डिबेट होती है, जैसे गाना कैसा होगा, यहाँ तक कि वो हमें बता सकते हैं, राज और डिकिया हमें बताते हैं कि हमें इस टाइप का गाना चाहिए, और हम उन्हें यहाँ तक बोलते हैं कि लेकिन इसका वीडियो ऐसा ही होना चाहिए। यू नो हम बहुत ज़्यादा टीम है, हम हमारे साथ पे मतलब वी एक्ट लाइक अ टीम। मतलब जब वो हमें बोलते हैं कि तूने क्या सोच के ये गाना बनाया, तो हम एक्सप्रेस करते हैं कि शायद इसका वीडियो ऐसा हो, या वो कभी सोचते हैं कि हमने सिचुएशन इसलिए डाली है कि हम चाहते हैं इसमें ऐसा टाइप का गाना हो। तो हर चीज़ पे डिबेट होती है, गाने के स्टाइल से, गाने के अरेंजमेंट पे, गाने के सिंगर पे, हर चीज़ पे, लिरिक्स पे, हर चीज़ पे। जैसे आप देखिए बंदूक मेरी लैला, अगर हम कहा जाए दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट गन्स एंड रोज़ेस, तो बिल्कुल एक गाना ऐसा होना चाहिए था। तो जब ये गाने की बात थी तब वायु के साथ हमने बहुत मतलब मशक्कत की, लगभग 6-7 घंटे बैठे हम, जब भी जाकर ये लिरिक्स आई है, इसकी कोकी लिरिक्स आई, तो हर बात पे डिबेट होती है। और जो तीर जो है कमान से छूट जाए उसके बाद फिर उसके डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, तो उसके पहले जितना भी हम आपस में लड़ते हैं जो भी है गाने के लिए आखिर में। और हमने देखा कि वो जो तीर जो कमान से जो छूट चुका है वो अब लोगों की जुबान पर है, हर किसी, चाहे वो मैं खास करके बंदूक मेरी लैला की मैं बात करना चाहूँगा, फीडबैक क्या कुछ मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री से आपके आप लोगों के दोस्तों का? बहुत सारे। जैकलीन और शिद का क्या कुछ कहना था जब ये मेरी लैला जब आया? तो मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में जितने लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, हर एक बंदे ने हमें मैसेज किया है कि ये गाना आप लोगों ने कुछ अलग है बनाया है। और आई एम वेरी प्राउड कि हमारे कंपटीटर्स जो हैं या हमारे जो दोस्त हैं जो दूसरे म्यूज़िक कंपोजर हैं, उन्होंने तक हमें फ़ोन करके बोला कि इस गाने में और डिस्को में कुछ अलग बात है। और सिद्धार्थ काफ़ी इन्वॉल्व रहे, ही इज़ अ वेरी इन्वॉल्व एक्टर, तो ऐसा नहीं कि सेट पे गाना सुनेंगे, वो बाकायदा स्टूडियो में आते थे। और मुझे याद है कि बंदूक मेरी लैला का भी जब बात चल रहा था, जब रिकॉर्डिंग सेशंस चल रहे थे, तब वो आए, उन्होंने खुद ये आइडिया दिया कि अगर मुझे इसमें अगर रहना है तो आई वांट टू डू लिटिल मोर। और तब ये हमने आपस में मिलके एक आइडिया उनको दिया कि व्हाई डोंट यू ट्राई रैपिंग। तो काफ़ी इन्वॉल्व आर्टिस्ट हैं वो भी, और उनका और जैकलिन का फेवरेट लागीना छूटे हैं, आज ही उन्होंने बल्कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि रिपीट पे वो सुन रहे हैं वो गाना। तो काफ़ी इन्वॉल्व एक्टर्स है, यंग है, तो हमारे म्यूज़िक को समझते भी हैं उतना, और जितना वो समझेंगे, जितना वो प्यार करेंगे, उतना ही वो लोगों तक ये म्यूज़िक पहुँचा पाएंगे। ओके, एज ए म्यूज़िक कंपोजर जब हम आप कहीं से गुजरते हैं या हम देखते हैं कि कभी कभी किसी की टोन वो सेल फोन की रिंग टोन भी बंदूक मेरी लैला या आप लोग के गाने होते हैं, फिर क्लिक होते हैं, अरे ये गाना तो मैंने किया, और लोगों की जुबान पर लोगों की रिंग टोन भी है, तो क्या कुछ फील करते हैं? बहुत स्पेशल फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो मकसद है कि हम अपने गाने लोगों तक पहुँचाएँ वो पूरा हो गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है। और हम चाहते हैं कि हम जितने गाने बनाएं वो सारे इतने बड़े हिट्स हों। लोगों का प्यार ही तो है, हम आफ्टर ऑल जो गाने बना रहे हैं वो लोगों के लिए तो हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, सब कुछ जो एंटरटेनमेंट जो हम बना रहे हैं वो है तो आखिर में उन लोगों के लिए, उन लोगों का प्यार मिलना ही तो सबसे बड़ा अहम हमारा हेतु है। तो वो जब होते हुए देखते हैं तो बेहद चैन की नींद सोते हैं। अपकमिंग भी कई सारे ढेर हसीना, किस तरह के म्यूजिक हमें देखने को मिलेगा आने वाले फिल्मों में? जी मैं आपसे ये कहूँ कि जेंटलमैन जो एक उसमें जो एक आपको एक स्टाइलाइज्ड म्यूजिक का जो एक आपको नज़रिया मिल रहा है, बिल्कुल उससे विपरीत भूमि में बहुत ही अर्दी म्यूजिक है, क्योंकि उनके उसकी स्टोरी वैसी है, आगरा में बेस्ड है, कैरेक्टर्स वैसे हैं, तो भूमि में आपको बहुत ही इंडियन धुने, रस्तिक मिट्टी वाला संगीत सुनने मिलेगा। सिमरन में जो है वो बहुत ही फिलोसॉफिकल म्यूज़िक है, मनोविज्ञानिक एक तरह से, उसके लिरिक्स और म्यूज़िक जो है बहुत सोलफुल म्यूज़िक है। उस फिल्म का भी जो एक नेचर है बहुत ही जेंटल है। और उसके बाद हसीना, जैसे हम सब जानते हैं, उसका भी बहुत अलग म्यूजिक, अलग है, अलग टाइप का। ये साल हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है, और आई होप कि लकी भी हो। बट ये कि अभी हम फिलहाल जेंटलमैन की बात कर रहे हैं,
अब अभी हम जेंटलमैन की बात कर रहे हैं तो यही बताना चाहते हैं कि जेंटलमैन के सारे गाने अब बाहर हैं। जितने लोग ये पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, आप प्लीज़ एक बार जाके आईट्यून्स पे सुनिए, आई एम श्योर यू गाइस विल लाइक इट। चलिए जाते आते अगर कुछ एक लाइन है, अगर बंदूक मेरे ले ले, या आप लोगों का जो फेवरेट, मेरा फेवरेट तो बंदूक मेरे, आप लोग की जो जो भी फेवरेट हो अगर कुछ एक लाइन है।